Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. ये तो आज सदात फैमिली किचन में बनने जा रहा है चिकन मंचूरियन। तो इस रेसिपी को अच्छे तरीके से जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस डिलीशियस अमेजिंग रेसिपी को आप अच्छे तरीके से फॉलो अप कर सकें। थैंक यू जी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके लिए बहुत ही मजे की एक डिश लेके आई हूँ। आपने बहुत सी रेसिपीज देखी होंगी लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बनाना बता रही हूँ जो कि बहुत आसान है बनाना। ये मैंने चिकन लिया, इसके लिए चिकन है मेरे पास बोनलेस और इसको मैंने कर लिया क्यूब्स में, कट कर लिया। मैं आपको दिखाती चलूं इसकी शेप। ये हम एक बाउल में इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह होना चाहिए क्यूब फॉर्म में चिकन, इस तरह आप काट लें। आई होप यू कैन सी क्लियरली, इस तरह का होना चाहिए चंक। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है मेरे पास 1 टीस्पून मैंने लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर या आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लें, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है मैंने काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो सारे इंग्रेडिएंट्स ये मैंने डाल दिए इस चिकन में और साथ ही मैं डाल दूंगी ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर विच इज 2, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर। इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। जी तो मैं आपको दिखाती चलूं, ये हो चुका है अच्छे से चिकन मिक्स। इसमें मैं बताती चलूं कि मैंने 1/2 एग भी शामिल किया है और ये बड़े अच्छे से जो है सारा मिक्स ऑल टुगेदर हो गया है। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी फ्राई करके। तेल रख दिया है मैंने फ्राइंग पैन में फ्राई होने के लिए। अब मैं चिकन फ्राई करूंगी। इस तेल में हम लोग डाल देंगे जी। तो ये चिकन रेडी हो चुका है, हमने इसको कुक नहीं करना, बस हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये जो बेस है और ये स्पाइसेस हैं ये अच्छे से पकड़ ले। पेपर टॉवल लें, पेपर टॉवल रखें प्लेट में और ये सारा चिकन जो है निकालते जाएं। जी तो नेक्स्ट तैयारी चिकन फ्राई करने के बाद है हमारी इसकी सॉस है। इसकी सॉस के लिए जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये बेल पेपर्स हैं 3 कलर्स में ये काट ली हैं इस तरह, और ये अनियन है मेरे पास, एक अनियन था और एक एक जो है सारी शिमला मिर्ची हैं, बेल पेपर्स हैं, और ये मेरे पास है टोमेटो सॉस। टमाटर ले लें तो उसको ग्राइंड कर लें, अगर आपके टिन फॉर्म में है तो एक टिन ले लें 400 ग्राम का, उसको ग्राइंड कर लें। और ये है मेरे पास टोमेटो प्यूरी 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये है कुछ स्पाइसेस। तो साथ साथ मैं आपको इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बताती जाऊंगी। लेट्स स्टार्ट द सॉस फर्स्ट। जी तो ये पैन रखा मैंने, ऑयल डाला इसमें, अब इसमें सारी जो बेल पेपर्स हैं जो मैंने अनियन काटे थे वो सारे डाल दूं। You can see it's changing the color. This is the right time. बस इसको हम उतार लेंगे। जी तो सेम पैन में मैं नेक्स्ट इसकी तैयारी करूंगी। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं A1 अभी वेजिटेबल्स का जो है ऑयल वो लेफ्ट ओवर है थोड़ा सा, तो नियरली 1 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया इसमें ऑयल। और है जिंजर गार्लिक पेस्ट विच इज 1 टीस्पून टीस्पून है उसमें जो मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताए थे। 1 टीस्पून है मेरे पास सॉल्ट, 1 टीस्पून ये है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर,
1 टीस्पून ओरिगेनो और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पेपरिका डाल लें या आप जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल लें। तो इसको डालने के बाद ज्यादा आपने भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसको ऑयल में एब्जॉर्ब करें और फौरन से टोमेटो सॉस डाल दें। मैं डाल दूंगी इसमें 1 टीस्पून शुगर, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ही फुल डाली है शुगर, और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून था सिरका, विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस, ये तो पकते हुए से तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें तो मैंने इसमें पानी डाल दिया तकरीबन 1 कप। अब इसमें मैंने ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको घोला है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करें। अब ये बड़ी मजे सी हमारी एक ग्रेवी तैयार हो गई है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मंचूरियन। जी तो ये पक चुका है, कॉर्नफ्लोर डाल के हमने तकरीबन 1 मिनट इसको पकाया, और इस स्टेज पे आप अपने सॉल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये जो चिकन मैंने आपके सामने फ्राई किया था वो मैं ऐड कर दूंगी इस करी में। चिकन ऐड कर दिया, अभी हम इसको कुक करेंगे 3 मिनट्स के लिए, मोर 2 to 3 मिनट्स इनफ है, और लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको। जी तो हम चेक कर लेंगे, चिकन हमारा कुक हो चुका है और मैंने स्पाइसेस चेक किए जब, तो मैंने मुझे जो मेरे टेस्ट के मुताबिक मुझे शुगर कम लगी, मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो शुगर थी मोर ऐड की। अब मैं इसमें डाल दूंगी वो पेपर्स जो मैंने फ्राई की थी, अनियन पेपर्स। तो अब इसको हम दम पे रखेंगे लाइक ओनली 5 मिनट्स, हमारा मंचूरियन रेडी हो जाएगा।